अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको डिश आउट करते हैं। Assalamualaikum YouTube family। तो आज बस ब्रदर मैं एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आज जो रेसिपी शूट हो रही है वो ये है, हर घर में बनती है और बच्चों बड़ों दोनों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये आप लोगों की भी फेवरेट है, आपके DMs आ रहे थे कि आप लोगों को मटन बिरयानी चाहिए, तो फिर आज हम मटन बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मटन बिरयानी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें मटन चाहिए, ये 1 kg के करीब मैंने मटन लिया। 2 tablespoons अदरक लहसुन का पेस्ट है, खड़े गर्म मसालों में बादियान का फूल है, दालचीनी के टुकड़े हैं, 8 से 10 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 2 मोटी इलायची ली है मैंने, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम और थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं और क्वान्टिटी के हिसाब से भी, और छोटी इलायची मैंने 7 से 8 अदद ली है, तेज़ पत्ते लिए हैं 2 अदद, हरी मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद, प्याज लिए हैं 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बारीक काट लिए हैं, टमाटर भी 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं, आप बड़े साइज़ के लेंगे दरमियाने साइज़ के लेंगे तो 5 से 6 अदद दे लें और अगर बड़े साइज़ के लेंगे तो 3 अदद दे लें। उसके बाद मसालों में 1 tablespoon नमक है, 1 tablespoon गर्म मसाला है, 1 tablespoon हल्दी है, 1 tablespoon सूखा धनिया, 1 tablespoon जीरा पाउडर है, रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर दोनों को मैं 1 tablespoon यूज़ करूँगी और ज़ीरा है वो भी 1 tablespoon। तो बिरयानी की प्रेपरेशन, जैसा कि मटन यूज़ कर रही हूँ बिरयानी में, तो फिर सबसे पहले तो मटन को गलाने का काम होगा, तो उसके लिए मैं प्रेशर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप सिंपली प्रेशर के बगैर कुक करना चाहते हैं तो उसको पानी डाल के जैसे कि मैं अभी रखूँगी तो आप भी एज इट इज़ रख देंगे जब तक कि गोश्त टेंडर नहीं होता, जब टेंडर हो जाएगा तो उसके बाद उसमें मसाले वगैरह शामिल करेंगे। तो मैं प्रेशर में पहले थोड़ी सी प्याज डालूंगी, तकरीबन 1 छोटी प्याज, गरम मसालों में खड़े गरम मसालों में 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 2 से 3 इलायचियाँ, 1 मोटी इलायची और इसमें मैं 1 tablespoon नमक शामिल करके इसको हम प्रेशर को बंद कर दूंगी और 35 मिनट्स के लिए हम इसको कुक करेंगे। 35 मिनट्स के बाद हम इसकी प्रेशर की सीटी को खोलेंगे। तो 35 मिनट्स के बाद मिलते हैं और फिर हम इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे और गोश्त की टेंडरनेस भी चेक करेंगे। तो जी 35 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम गोश्त को चेक करेंगे। सीटी मैंने उतार ली है और गोश्त आई थिंक टेंडर हो चुका है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास गोश्त गल चुका है, अब हम इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे और हम उसमें इस गोश्त को शामिल करेंगे। चलिए मसाला बनाते हैं। तो जी गोश्त के गलने के बाद अब हम उसका मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो मसाला प्रिपेयर करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, 1 प्याले के करीब मैंने ऑयल लिया और अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। और प्याज को मैं लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूँगी, डार्क ब्राउन नहीं आपने करना, लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसमें मज़ीद जो शामिल करना होगा वो शामिल करेंगे। ले जी प्याज हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, बहुत खूबसूरत कलर आया है देखिए आप। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो जी प्याज निकालने के बाद उसी ऑयल में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और इसको मैं अच्छी तरह भून लूंगी।
लहसुन अदरक भूनने के बाद अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटरों को भी मैं 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूँगी। तो जी ये टमाटर गल चुके हैं और अब हम इसमें प्रिपेयर किया हुआ गोश्त डालेंगे और इस गोश्त को तेज़ आंच पे भूनेंगे टमाटरों के साथ। अब इसमें मैं मसाला जात ऐड करूँगी, इसमें मैं डाल रही हूँ सारे मसाला जात। इसको हम भूनेंगे जब तक के ऑयल ना छोड़ दे मसाला। जितनी देर ये मसाला भुना जाता है उसके साथ ही हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। प्याज को आप थोड़ा सा हाथ के साथ मसल के फिर फेंकिएगा। अब इसमें मिर्चे मैं साबुत ही ऐड कर रही हूँ। अब इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे और भुनाई के बाद फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो जितनी देर में तकरीबन मसाला रेडी है, 5 मिनट मज़ीद इसको दूंगी, उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। और इधर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया बिरयानी के चावलों के लिए। तो पानी देखें आप, लाइट लाइट बबल्स बन गए हैं। तो इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के नमक डाल रही हूँ। तकरीबन 1 केजी के करीब चावल हैं और खड़े मसाले के तौर पर 2 तेज़पत्ते हैं, 2 बादियान के फूल, 1 मोटी इलायची और थोड़ा सा साबुत जीरा डाल रही हूँ। और इसके साथ 3-4 पुदीने के पत्ते हैं जिससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अब तक मैं 5 मिनट के बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। ले जी चावल ऐड करने लगी हूँ। जब चावल हमारे हो गए हैं तो अब हम इसको ड्रेन करूँगी। चावल रेडी है दम लगाने के लिए। थोड़ा सा ऑयल मैं डालूंगी, बिल्कुल मामूली सा, इसको पैन को थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए। और अब हम 1 लेयर चावलों की और 1 लेयर मसाले भी डालेंगे। थोड़ा सा पुदीना, मैं बासमती राइस ले रही हूँ। अगर आप किसी पार्टी या इवेंट के लिए बना रहे हैं तो आप सेला चावल भी ले सकते हैं इसके लिए।
धनिया के पत्ते, तो चावल रेडी हैं दम लगाने के लिए। लेयर्स हो गई हैं कंप्लीट और अब इसको मैं 15 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे दम के लिए रख दूंगी और 15 मिनट के बाद हम आपको मिलते हैं और देखते हैं चावल को क्या हालात हैं। जी बिरयानी के दम का टाइम तो ख़त्म हो चुका है तो अब हम इसका दम खोलते हैं। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और अब हम इसको मिक्स करेंगे। पहले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो जी बिरयानी रेडी है, अब हम नीचे चलते हैं और उनको सबको टेस्ट करवाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। तो जी जबरदस्त वो भी जबरदस्त वो आ रही है सादी बबी तो पहले खाने के लिए पहले बनाया था एक हफ्ते पहले मैं बनाया था मटन पुलाव, व्हाइट मटन पुलाव, और आज ये थी चिकन बिरयानी की रेसिपी आ गई। ये चिकन बिरयानी चिकन नहीं है, मटन मटन बिरयानी। चिकन की काम आ रहे वो चिकन पसंद है ना, मटन हुआ है ठीक है क्योंकि अम्मी अब होते हैं ना तो अम्मी को तो मटन थोड़ा मना होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से, तो आज का मटन बहुत बना रही है। अच्छा तो चलिए अब मौसम टेस्ट करवाते हैं। मेरा काका भी खाएगा यान, जब रेसिपी बन रही थी ना यान कह रहा था कि स्पाइसी बनानी है, तो यान कैसी बनी है, स्पाइसी है? मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, ये रही मटन के साथ। मजेदार नाबिये को बड़ा पसंद आ रहा है, क्यों भी नाबिये को देखिए नाबिये खा रहे हैं। मजेदार स्पाइसी यार, अब्दुल मान खा रहे थे मटन। हाँ जो अच्छी बात है शुरू से आते थे, हमें भी वैसे अम्मी अबू डालते थे, आते हमें डालते थे, हमें अभी अबू ना खिलाते थे जबरदस्ती, तो हम उसे चुबा चुबा के ना बाग बैन में फेंक देते होते थे। अच्छा पहले पता नहीं ऐसा क्यों होता था, वो जी शुरू में ऐसे ही करता था, मैंने भी खाया था वो मशीन दे डाल तो मैं जी से नहीं सकते नहीं खाने चाहिए खाया तो हो जाए। अभी आप अभी अभी खा लेती है आराम से बहुत मजेदार लग रहा है चिकन जैसा देश है, चिकन जैसा देश है, चिकन ही है, चिकन ही है, लेकिन ये फायदेमंद चिकन है। वैशा कमाल की बना रही है, अम्मी होती ना अम्मी ने तो बहुत छोड़ नहीं रही थी, खा रही थी फुल टाइम ना, अम्मी बड़ी शकीन है, खा के फिर वो ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़नी, ब्लड प्रेशर की गोली अम्मी को खानी पड़नी थी, लेकिन आउट क्लास बनी हुई है। अम्मी अब आएंगे ना उनके लिए भी बनाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल इसी तरह की बना के ना उनको खिलाएंगे। तो ये वीडियो थी मटन बिरयानी की, तो अगर आपको अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
और हमारी वीडियो को लाजमी जो है ना लाइक किया करें। खुश रहें, सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज।